नमः शिवाय। मैं JS सिंह आपका स्वागत करता हूं मृत्युंजय केयर में, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा लास्ट वीडियो जो फेस ओरा का था, आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया, और आप में से ही कुछ अच्छे लोगों के, ये सभी लोगों के कुछ मैसेजेस थे, कुछ कॉल्स थे, और वो जानना चाह रहे थे कि आपने फेस ओरा के बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो हम इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, हम इसे और कितना बारीकी से जान सकते हैं। और बोले, हमने इसे बहुत कुछ रिलेट किया हमारी लाइफ में, हमें समझ में आया कि हम किस तरह से हमारे अंदर चीज़ों को भरते हैं। तो ये तो अभी तक बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं जो ऊपर के बताए हैं आपको। आपके जो 7 मेजर चक्रास हैं उनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले वो चीज़ जो आप देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि ऐसे कौन से 48 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारे फेस के ही, जिससे इतना कुछ पता लग सकता है। हम जब फोटोग्राफी करते हैं तो जितने भी आप देख रहे हैं ये 48 पॉइंट्स हैं आपके फेस के। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन पॉइंट्स पर हमें कुछ डॉट्स नज़र आ जाते हैं, जिसके अंदर रेड एनर्जी, मैरून एनर्जी या कोई भी एनर्जी जिसके अलग अलग मीन्स हैं ओरा के अंदर। तो आप ये समझें, वो उससे हमें यहाँ पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के साथ कहाँ समस्या है। फिर हम उसे उसकी अफर्मेशंस के थ्रू या फिर उसके साथ कॉग्निटिव थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भी थेरेपीज़ हैं जिनका हम उसके साथ यूज़ करते हैं, ताकि वो उससे आउटग्रो कर सके, उस घटना से, उस इंसिडेंट से वो बाहर आ सके। और हर व्यक्ति के ओरा में एक तो आउटर लेयर ओरा होता है और एक इनर ओरा होता है। आउटर ओरा क्या होता है? बेसिकली आउटर ओरा एक ऐसा ओरा है जिसमें लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके शरीर से ऊपर ये 6 इंच तक उस फोटोग्राफ्स में सारा आ जाता है कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। फिर उसके बाद आपका इनर ओरा, इनर ओरा इट मींस आपके जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, इन पॉइंट्स पर आपके कुछ, अगर ये क्लीन है तो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, और यदि ये डार्क हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, तो यहाँ पे डार्क एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। उससे बहुत ईजीएस्ट वे में पता लग जाता है कि ये ओरा क्या है और इनके साथ क्या समस्याएँ हैं। एक तो बाहर से ये कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं, उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है पूरा। अब जैसे कानों के बारे में मेरे से बहुत से सुना कि बोले भैया कान तो हमारे, हम इतने, मतलब लोग एंगर भी दिलाते हैं और लोग ज़्यादा चापलूसी भी कर देते हैं, तो अहंकार भी बहुत आ जाता है। तो ये जो आपके कान में है यहाँ पे हो रहा है, एक तो ये है दूसरों से आप क्या सुन रहे हो ना उसके लिए, और एक स्वयं से क्या सुन रहे हो, ये दोनों कानों के अलग अलग अर्थ हैं। एक तो दूसरा आपको क्या बोल रहा है उससे क्या अर्थ लेकर के आप अपने आप को समझा रहे हो अपने आप को, और दूसरा स्वयं से खुद को क्या आप निर्णय दे रहे हो कि आपको कैसा रिएक्ट करना है, आपको क्या करना है। उसमें आपकी आंखें, जो आपका साक्षी भाव, और यदि किसी ने कोई बात ऐसी बोली जो आपके कानों में आपको चुभी, तो आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है। समझ रहे हैं आप, फेस एक्सप्रेशन चेंज होगा, अगर अच्छा लगेगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, और यदि कोई बुरी बात बोली गई तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसको ज़्यादा ही दुखी रहने की आदत है, तो उसका ये तो ऑलरेडी पूरा बहुत ग्रे एनर्जी से, ऐसे दबी हुई एनर्जी से भर जाएगा, जिससे वो हमेशा चिंतित रहता है। दूसरा उसका फेस, कुछ लोगों को आप दूर से ही देख करके पहचान जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत दुखी रहता है, पर आप पहचान रहे हैं फेस से, कैसे पहचान रहे हैं आपने सोचा, आपका सबकॉन्शियस उसको रीड कर जाता है, अरे यार ये तो बहुत दुखी है, इसका फेस ही ऐसा है। और किसी का देख के, अरे यार ये तो बहुत खुश है, देखो अंदर से इसके चेहरे पे कितनी स्माइल है, वो यहाँ से फेमस आपको पूरा पता लग जाता है कि ये कितना फेमस है, अंदर से कितना खुश है। फिर आपका विजडम, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका विजडम है पूरा, आपका ज्ञान, आपके अंदर क्या ज्ञान है, आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप फेमस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप फेमस हो, क्या आप चाहते हैं कि आप फेमस ना हो। फेमस इट मींस कि आप जो कर रहे हैं उसकी प्रशंसा तो आप ले ही सकते हैं, और जो आप नहीं कर रहे हैं उसकी प्रशंसा आप लेते हैं तो उसका भी चक्रा इसमें है, वो ब्लॉक हो जाता है। आपके एंगर्स में आपके ब्लॉकेज आ जाती है, यहाँ पर आपके कान, ये पूरा आपका जितना पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन कनेक्शन से है, खुद से और उस परम चेतना से, उस दिव्य ब्रह्मांड से जिसकी एनर्जी आपके भीतर बहनी है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तो बहती है, आप उसे लेते किस तरह से, ग्रहण किस तरह से करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं आप, वो आपकी आईब्रोज, ये जो आपके हिस्से हैं बताते हैं, और लोग कहते हैं ना कि यार मैंने उसकी आंखों में देखा है वो ईमानदार है,
उसकी आंखों में मैंने पढ़ा है कि वो अपनी जगह समझदार भी है, ईमानदार भी है। और कुछ कहते हैं, यहाँ हाथ लगा के क्यों कहते हो, क्या तुम्हारे अंदर समझ है? बेसिकली आप सही जगह हाथ लगाते हो, क्योंकि आपकी समझ का ही चक्रा है। जिसके पास खुद की समझ नहीं, जो दूसरों की समझ से काम करता है, उसका ये ब्लॉक होता है। और जिसका खुद का एक्टिव होता है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी होती है। वो खुद की एनर्जी से काम कर रहा है, वो खुद की सोच से काम कर रहा है, और वो खुद कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, वो यहाँ से है। टेंशन में लोग इसे पकड़ लेते हैं ना ऐसे, वो सही पकड़ते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है। जिस वक्त कनेक्शन बन जाएगा, यहाँ से हाथ हट जाएगा। क्योंकि जब ये चक्रा ऊपर के आपके ब्लॉक होंगे, तो होगा क्या कि आपके सारे कनेक्शंस कट जाएंगे, खुद से भी कट जाएंगे और उस यूनिवर्स से भी कट जाएंगे जो आपको एनर्जी देना चाहता है, जो आपको ज्ञान देना चाहता है कि अब आप अपने जीवन को बदलो। बट हम क्या करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, उस चीज़ को पकड़े बैठे रहते हैं। और फिर ये आपके एक्सेप्टेंस चक्रा है ही। अगर आप स्माइल करते हैं, आप लोगों का वेलकम करते हैं, तो खुशियाँ आपका वेलकम करती है, यूनिवर्स की एनर्जी आपका वेलकम करती है। बस इतना सा खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय केयर में आपका स्वागत। नमः शिवाय।